नमस्कार दोस्तों, और आप मेरे कैमरे के साथ देख रहे हैं जशपुर का ये सुंदर नज़ारा। वास्तव में मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वह जशपुर का जो ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एक है। यहाँ पर आने के लिए सभी लोग तरसते हैं, मैं भी उसमें से एक था, लेकिन मैं उस तरस को आज मिटाने की कोशिश किया और मैं इस प्लेस पर आ गया। मैं जहाँ खड़ा हूँ वह समुद्र तल से 1050 मीटर्स ऊंचा है और यहीं से मैं पूरा नज़ारा ले रहा हूँ। सिंस टुडे इज लॉकडाउन, सो नन ऑफ द वॉइस नन ऑफ द पर्सन्स वॉइस अराउंड अस, आपने किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, सिर्फ सुनाई दे सकता है, तो वह चर्पिंग ऑफ बर्ड्स वही सुनाई दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं सुनाई दे सकता। क्योंकि ये जो मेरा शहर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही बड़ा फैन है, एंड दे ऑल आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लॉ गवर्न बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सिंस ये ऐसा जगह है जहाँ आने के लिए टूरिस्ट तरसते हैं, बट मैं बताना चाहूँगा कि यह प्लेस इंडिया के मैप में आपको दिखाई नहीं देगा, ना आप इस जशपुर नाम आपने कभी सुना होगा, ठीक है। बट जो एक बार ये आ जाता है तो यहाँ से जाने का उसका मन नहीं करता है। आप देख सकते हैं वो छोटी छोटी लाइट्स जशपुर जो शहर में दिखाई दे रहे हैं, और मेरे सामने उस पगडंडी से होते हुए कुछ लोग आ रहे हैं जो काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे हैं, जो कैमरे में आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, बट मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में वह सोशल डिस्टेंसिंग का, और एक मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वो एक कतारबद्ध तरीके से आ रहे हैं, उनके बीच में मिनिमम 6 मीटर डिस्टेंस है। आई थिंक वो किसी काम से आ रहे हैं, छोड़िए वो बातें हैं। लेकिन आप ये देख सकते हैं शाम का नज़ारा, कि वास्तव में जब ये शाम होता है तो मेरे सामने वो जो फार पॉइंट है ना, वहीं उसी फार पॉइंट पर कि सूरज जो सन होता है, जब सनसेट होता है तो वहाँ से ऐसे लगता है मानो ना कि प्रकृति एक अपनी सुंदर सी छटा बिखेर रही है। मुझे देखते हुए इतना मज़ा आता है। मैं कोशिश करूँगा कल आकर कि उस नज़ारे को यहाँ से कैप्चर करूँ। मैं जो नज़ारा मेरे जो प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगा वो थोड़ा सा दूर है, लेकिन कल मैं कोशिश करूँगा कि वहीं उसी प्लेस पाऊँ वो जहाँ से वो सनसेट होते हैं। ऐसा लगता है ना कि धीरे 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 करता हुआ वो सन, धीरे धीरे सन वो धीरे धीरे क्या करता है, डूबता है। मज़ा आता है वो सीन देखते हुए, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो देख सकते हैं कि वो सामने आपको एक धुआं दिखाई दे रहा था, धुआं वास्तव में वो धुआं नहीं है, वह यहाँ से एक रिवर गुजरी हुई है जशपुर का बाकी रिवर, वहीं से उस रिवर का वो वेफर है, और उसके सामने आपके सामने छोटे छोटे लाइट्स दिखाई दे रहे होंगे, वो जशपुर को जाता हुआ रोड है। वहाँ पर जो उसके फ्लड लाइट्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। इधर आप देख सकते हैं जशपुर सिटी है जो बसा हुआ है, और सामने वो पहाड़, वो पर्वत, मज़ा आता है सीनरी देख के। जो हम बचपन में होते थे, बचपन में तो हमें बड़ा मन होता था कि हम एक ब्यूटीफुल सीनरीज बनाएं, लेकिन मन में आता था वो सीनरीज क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अब वही सीनरी आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे सिंपल है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं, ठीक है, ये मैंजीफेरा इंडिका, डेट इज मैंगो ट्रीज है, वो पूरे जशपुर में आच्छादित है, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा घर बन रहा होगा, मैं उस मकान मालिक की तारीफ करूँगा जो यहाँ पर ज़मीन लेके अपने घर को वह बना रहा है, ठीक है। इसके पीछे एक कॉलोनीज है, ठीक है, जिसे हम छत्तीसगढ़
हाउसिंग बोट्स के नाम से जानते हैं वह है, ठीक है। और एक यहाँ आप देख सकते हैं कि एक आम का पेड़ है। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कैसा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा, चूँकि अब शाम हो गया है तो मुझे निकलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रास्ते में पॉइजनस स्नैक्स भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा इफ़ यू सर्चिंग अबाउट द जसपुर तो यू विल हैव टू फाइंड अबाउट जसपुर डेट। जसपुर इज नोन टू बी द बेनोमस प्लेसेस ऑफ द इंडिया बिकॉज लॉर्ड्स इंडियाज टॉप बेनोमस स्नैक्स आर फाउंड हियर। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाकी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा बाद में। थैंक यू।